दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी मुझे मैगी और साई के अलावा कुछ बनाना नहीं आता, आप मुझे सिखा देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया माँ, वीडियो। नाश्ता तो बना दिया है। आज उठने में थोड़ी देर हो गई इसलिए दाल सब्जी नहीं बना पाई। आप प्लीज बना लेना, रोटियां राधा सेक देगी। मैं और राहुल आज कैंटीन में कुछ खा लेंगे। तैयार होते हुए बोली अनुष्का, तू परेशान मत हो बेटा, मैं अपना देख लूंगी। घर में भी तो बनाती थी और अभी तो राशि भी है, पहले बता देती तो मैं तुम लोगों के लिए कुछ बना देती, कैंटीन में पता नहीं उल्टा सीधा कैसा मिलता होगा। चाय पीते हुए बोली कौशल्या जी, ठीक है तो मैं निकलती हूँ, पहली काफी लेट हो चुकी हूँ। अपना पर्स उठाकर दरवाजे के बाहर निकलती हुई बोली अनुष्का माँ, ये तो भाभी का रोज का ही नाटक हो गया, मैं लेट हो गई हूँ, आप कुछ बता लेना। और करे भी क्यों ना, सब आपकी सूट का नतीजा। मैं अंदर लेटे लेटे सुन रही थी, राशि ही वो बना लेगी। मैं यहाँ कुछ दिन के लिए आराम करने आई हूँ, किचन में काम करने। काम तो मैं अपनी ससुराल में भी करती हूँ। अनुष्का के जाती आंखें मलते हुए बाहर आकर बोली, राशि ये कैसी बात कर रही है तू? राशि अनुष्का के ऊपर घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी ही, मेरे मना करने के बाद भी वो जितना बन सके करके जाती है और ऑफिस जाके के बाद भी ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करती। हम दोनों तो आराम से घर में बैठे हैं, अगर थोड़ी बहुत हाथ पैर चला लेंगे तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी। अब तो खुद ही देख ले, अब सोकर उठ रही है और अनुष्का कितने सारे काम करके ऑफिस भी निकल गई। वहां भी सारा दिन फाइलों में सिर खपाना पड़ेगा, मुफ्त की तनख्वाह कोई नहीं देता। राशि को समझाती हुई बोली कौशल्या जी, अब मैं क्या कहूँ, आपकी आंखों पर तो अपनी बहू के प्यार की पट्टी बंधी हुई है। आपको समझ में नहीं आता आपको यहाँ क्यों लेकर आए ये लोग। भाभी की नजर हमारे गांव वाले घर पर है, एक दिन उसे अपने नाम कर आपको बेघर कर देंगे, तब आपको पता चलेगा। मैंने सुना एक दिन भाभी राहुल भैया से कह रही थी, माँ को इस बारे में कुछ मत बनाना, जरूर घर के बारे में बात कर रहे होगी दोनों। फालतू की बात क्यों कर रही है राशि, तुम दोनों बहनों की तो शादी हो चुकी है, वह घर वैसे भी राहुल का ही है, उसका मन आए वह करे। अब छोड़ इन बातों को, जल्दी से मुंह धोकर आप फिर नाश्ता करते हैं। नाश्ते में कौन से वजन बनाकर गई होगी आपकी बहू, वही सैंडविच या पुआ होगा। राशि को अनुष्का की हर बात में कमी निकालनी थी। अब वो पहले वाली अनुष्का नहीं है जिसे कुछ बनाना नहीं आता था, कितना कुछ तो सीख गई है अपनी मेहनत और लगन से। बिन माँ की बची है, हमेशा हॉस्टल में रही है। मुझे तो आज भी याद है, शादी के अगले दिन ही मेरे पास आकर बोली थी, माँ मुझे मैगी और साई के अलावा कुछ बनाना नहीं आता, प्लीज आप मुझे सिखा देना। तभी मैंने जान लिया था कि दिल की बहुत साफ है। एक महीने हमारे पास रही थी, जैसे बताती पूरी लगन से सीखती थी। 2 साल पहले की यादों में खो गई कौशल्या जी। अच्छा छोड़, तू ये बता क्या खाएगी, मैं वही बना देती हूँ तेरे लिए। अब इतनी निकम्मी भी नहीं हूँ कि इस उम्र में तुम्हें रसोई में कटने दूँ, ये तो तुम्हारी बहू ही कर सकती है। थोड़ी देर रुको, मैं अभी नाश्ता गर्म करके लाती हूँ। तौलिए से हाथ पोछते वे बोली क्रासी कौशल्या जी, 6 महीने पहले अपनी बेटा बहू के पास शहर आई थी। उनके पति तो कई साल पहले गुजर गए थे, गांव में अपना खुद का मकान और खेती थी, रिश्तेदार भी आसपास रहते थे जिससे उनका वहाँ मन लगा हुआ था। पर छोटी बेटी राशि की शादी के बाद वह बिल्कुल अकेली हो गई थी, तो अनुष्का और राहुल ने जिद पकड़ ली थी कि उन्हें उनके पास आकर ही रहना होगा।
शाम की शाही पीकर उठी थी कौशल्या जी की, अनुष्का का फोन आ गया, माँ आज कोई जरूरी काम आ गया है, थोड़ा लेट आ जाऊंगी। मैंने घर के लिए कुछ सामान ऑर्डर किया था, वो आप लेकर रख लेना, कुछ और सही हो तो बता देना, मैंने आते हुए लेती आऊंगी। थोड़ी देर में सामान भी आ गया, उसे जगह पर रख कर आई तो देखा रासी फोन पर किसी से बातें कर रही थी, अकेली खाली बैठी भी क्या करूंगी, खाना ही बना लेती हूँ। फ्री से पनीर निकाल, राहुल की पसंद का कटाई पनीर और भिंडी फ्राई बनाने लगी, साथ में थोड़ी सी खीर भी बने रख दी। रासी बेटा देख तो खीर में मीठा ठीक है, खीर की कटोरी रासी की तरफ बढ़ाते हुए बोली कौशल्या जी। आप भी ना माँ मुझे बता देती, मैं कुछ हेल्प करवा देती, अकेली कब से गर्मी में लगी हो, तुझे तो पता है मेरे से खाली बेटा नहीं जाता। तू फोन पर बात कर रही थी तो सोचा खाना ही बना देती हूँ, दिन भर की थकी हारी किचन में घुसेगी बेचारी, 7 बजने को आए, राहुल तो रोज 6 बजे तक आ जाता है, पता नहीं कहाँ रह गया। आज घड़ी की तरफ देखते हुए बोली कौशल्या, निकल गए होंगे दोनों कहीं बाहर घूमने, आराम से खा पी कर आएंगे तो भैया, गर्मी में उनकी पसंद का खाना बने हमें लगी हो, राशि कोई मौका नहीं छोड़ना। शादी थी करीब 7:30 बजे, दोनों एक साथ अंदर आए, दोनों बड़ी खुश नजर आ रही थी। माँ जरा यहाँ तो आइए, आपके लिए एक सरप्राइज है, राहुल की आवाज आई। बाहर आई तो अनुष्का एक लाल रंग का डब्बा उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, माँ ये आपके लिए। अरे मेरे लिए क्यों, क्या है इसमें, आज कोई स्पेशल है दीने क्या, हैरानी से बोली कौशल्या जी। आप एक बार खोल कर तो देखिए, पसंद आया कि नहीं, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। खोलकर देखा तो सुंदर सी 4 सोने की सूढ़ियां रखी हुई थी, ये क्या मेरे लिए, मैं कहा जाऊंगी इस उम्र में सूढ़ियां पहनकर, ये तुम ही रख लो अनुष्का बेटा, नहीं ये आपके लिए है। माँ मुझे राहुल ने बताया था कैसे हम सब की शादियों में आपके सारे गहने बिक गए और आपके कंगन जो पापा जी की निशानी थे आपके ने मुझे मेरी पहली रसोई पर दे दिए थे, वो मैंने बनाई भी नहीं थी। तब से आपके खाली हाथ देकर मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं कहीं ने महीने से अपनी सैलरी से पैसे जमा कर रही थी, आज ऑफिस से जल्दी निकली तो सोफा लेकर ही चलती हूँ, राहुल को भी वहीं बुला लिया था। हाँ माँ अनुष्का ने अपनी सैलरी से लिए हैं और आपको बताने के लिए भी मना किया था, मुझे माँ के पास आकर बोला राहुल, अगर पहले से बता देती तो आप मना कर देती, और हाँ माँ आप पूछ रही थी आज कोई स्पेशल दिन है क्या, तो माँ दिन स्पेशल नहीं होते तो एक दूसरे के प्यासे बन जाते, जैसे वो स्पेशल दिन जब आप मुझे मेरी माँ के रूप में दोबारा मिली थी, जिन्हें मैं बचपन में खो चुकी थी, प्यार से गले लगती थी बोली अनुष्का। पर इसके लिए इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है बेटा, तुम दोनों की नई नई गृहस्थी है, मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम लोगों का प्यार चाहिए, गहने नहीं, मेरे असली गहने तो मेरे बच्चे, वह खुश रहे। बस बोलते बोलते भावुक हो गई कौशल्या, जो आपने मेरे लिए किया है उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं है, माँ प्यार से बोली अनुष्का। अगर सास बहू का प्यार खत्म हो गया हो तो खाना खाया जाए, बहुत तेज भूख लगी है, राहुल की बात सुनकर सब हंसने लगे। अरे राहुल वो गुलाब जामुन तो गाड़ी में रह गए, जो आप राशि के लिए लेकर आई थी उसे बहुत पसंद है ना, कौशल्या जी ने एक नजर उठाकर शुभ सब घड़ी राशि की तरफ देखा, जैसे कहना चाह रही हो कितना गलत समझती हो तुम मेरी बहू।